रवि प्लीज। ये आप ही का फैसला होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा हम सब आपके साथ रहेंगे। काफी एक मौका दे दो मुझे, एक आखिरी मौका प्लीज। ठीक है बल्लू, देती हूं मैं तुम्हें एक आखिरी मौका। पर मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मुझे और मेरे बेटे चिंटू को कितनी तकलीफें दी है। देती हूं तुम्हें मैं मौका, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं कर सकती। मैं वादा करता हूं रवि, अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? अपनी खूबसूरत सी बेबी से रोमांस की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो आजकल? यार चलो छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, हटो, मुझे बेड लगाने दो। सॉरी छोड़ो। ये जानती हूँ, मैं वैसे किसी से कुछ मांगने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक छोटी सी दुआ रोज मांगता हूँ ऊपर वाले से। जब तुम मुस्कुराती हो तो वो पल वहीं रुक जाए। I love you. अरे तुमने कुछ बोला नहीं। Don't you love me? सोच के बताऊंगी। मुझसे तुम प्यार करती हो यानी, इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्या ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। ये आजकल ना मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ तुम्हें, मेरी टांग खींचना तुम्हारी हॉबी हो गई है। अब कौन है? हाँ गुरु। क्या यार तू कहाँ चला गया था? मतलब मैं तो कॉलेज से निकल के मैं तुझे ढूंढ रहा था। हाँ यार वो मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड? ओके, तूने कभी बताया नहीं तेरी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ यार वो ना मैं काफी शाही किस्म का हूँ ना, तू जानता ही है तो। लेकिन अब तूने मुझे दोस्त बोल ही दिया है तो इसलिए तुझे बता रहा हूँ। एक ये हंसी किसकी थी? हीर है क्या तेरे साथ? अरे नहीं 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 नहीं, हीर क्यों होगी मेरे साथ? मैंने तुझे बताया ना मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा ऑलराइट। अच्छा चल आई एम बिजी। हाँ चल आई विल कॉल यू लेटर। चल बाय 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 बाय। अच्छा सुन ना, हाँ तो हम कहाँ थे? यहाँ थे। तुम किस गर्लफ्रेंड के साथ थे जो गुरु से बात नहीं कर पा रहे थे? अपनी इस गर्लफ्रेंड से जो मुझे आई लव यू तक नहीं बोलती। लेकिन तुम्हें रोमांटिक टाइम में मैं क्या उस गुरु से बात करूँ? पर विराट को तुम इतनी रात को डिस्टर्ब क्यों करता है? यार आई रियली लाइक हिम। मेरा ना दिल आ गया उस पे।
फिर वो तुमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस बात बतानी है। क्या हुआ? फिर तुम उस गुरु से दूर रहा करो बस। क्यों? वो ना तुम्हें लाइक करता है और आज अकेले में प्रपोज भी करना चाहता था। हीर, तुम्हें हंसी आ रही है? ये टेंशन से जान निकल रही है यहाँ पे। विराट, कोई और लड़का मुझे लाइक करता है तो तुम जेलस होते हो? आई लाइक इट, बहुत क्यूट लगते हो तुम जेलस होते हुए। प्लीज देखो, मैं कोई जेलस नहीं हो रहा, मैं बस वरिड हो रहा हूँ कि बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। और भी ज्यादा क्यूट लगते हो तुम ऐसे। विराट, एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं है, फिर क्यों? हीर, मैं बस, मुझे बस फिक्र होती है कि कहीं बड़ी टेंशन ना हो जाए, ऐसी नहीं। विराट, टेंशन, वरी, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो हमें साथ होते हुए छू भी नहीं सकते, ओके? एंड बहुत क्यूट हो तुम, आई लव यू। हरमन जी, आओ, ये क्या है? बोलते क्यों? क्या है? अरे कुल्फी, आप और आपकी शैतानियां सुधरेंगे नहीं ना? वैसे मेरी शैतानियों की आदत डाल दोगी ना वो, क्योंकि मेरा दिल जो है ना, बचपन की उम्र में भी बचपन का रहेगा। आपका कहा है? हाँ, रावी और बल्लू के बारे में सोच रही हूं। मत सोचो, एक मौका दिया है तो उसे आजमा के देख लेते हैं। देखो गुलाबो, मैं जानता हूं जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत धोखे हुए हैं, इसीलिए किसी पे भरोसा करना इतना आसान नहीं है, खासकर बल्लू पर। लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। प्रीतो को देख लो, पहले वो तुम्हें अपनी बहू भी नहीं मानती थी और अब वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। देखो, हम है ना, हम रावी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं? रुको, क्या बात? छोड़ दो, क्या कर रहे हो? दूसरे को मार क्यों रहे हो? विराट, ये क्या हो रहा है? ये सब मैं देख कर आता हूँ। अबे रुको रुको, अरे मार क्यों रहे हो? अबे रुक जाओ, रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ, थोड़ा ना छोड़ उसे, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, पर ये विराट,
विराट छोड़ उसको, छोड़ विराट उसको, छोड़ उसको। बीवी को चोट पहुंचाएगा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? डॉक्टर के पास चलना है। विराट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। फिर मैं हरमन जी रोज की तरह आज भी आपने अपना वॉलेट छोड़ दिया। एक्चुअली मैं जानबूझ के भूल के आया था, मुझे पता था कि हमेशा की तरह तुम ही मुझे ये वापस ला कर दोगे। वेरी स्मार्ट। अच्छा सुनिए, आज मैं फैक्ट्री आऊंगी, लंच साथ में करेंगे। ओके हरमन, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो बोलो। मैं काम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। नहीं, मैं आप ही की फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ। देखिए मैंने बाहर काम ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आप ही सोचिए, एक अपराधी को कौन काम देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं? बल्लू, भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और अगर वो ऐसा सोच भी रहा है ना तो वो गलत नहीं है, क्योंकि तुमने हरकतें ही वैसी की है। और अगर तुम्हें काम चाहिए तो पहले सबका भरोसा जीतो, समझे? रावी जी, जी रहने दीजिए। हरमन प्लीज मुझे एक मौका दो। और तुम देखना, मैं सबका भरोसा जीत लूंगा। ठीक है बल्लू, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। और उम्मीद है कि आप हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे इस बार। निश्चिंत रहिए, इस बार मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। शीर तेरी बीवी है? विराट मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, तुम दोनों मैरिड हो? तुम दोनों की शी और वाइफ? हाँ, हीर और मैं हस्बैंड और वाइफ है। गुरु प्लीज गलत मत समझना, हमने ये बात सबसे छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि विराट कॉलेज में डिस्ट्रैक्ट हो। तुमसे दोस्ती होने के बाद हम दोनों चाहते थे कि ये बात तुम्हें पता चले, पर ऐसे नहीं। इनफैक्ट हम दोनों आज ही तुम्हारे पास आने वाले थे ये बात लेकर, है ना विराट? हाँ। ये देखो, I'm not afraid to die।
इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे कैसे यार? Like, how do you guys do it? Please, यकीन मानो, हम दोनों ये बात तुमसे नहीं छुपाना चाहते थे। हाँ गुरु, हम आज ही तुझे बताने वाले थे, पर मुझे आज ही बताना चाहते थे। तूने पहले क्यों नहीं बताया जब मैंने तुझे शेयर किया था कि मैं हीर को लाइक करता हूँ? क्यों नहीं बताया तूने मुझे? और तूने अपने तूने किसी और के मुझे सुन कैसे लिया अपनी बीवी के बारे में? एंड टेल मी समथिंग, अगर मैं अपनी फीलिंग को लेके आगे बढ़ जाता तब क्या होता फिर? हाँ, क्या होता फिर? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने अपनी दोस्त की बीवी को लाइक किया। तूने बहुत गलत किया विराट, तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। गुरु प्लीज रिलैक्स, किसी को लाइक करना कोई गुनाह थोड़ी ना होता है। तुम क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हो? विराट ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैंने विराट को मना किया था कि किसी से कुछ मत बोलना कॉलेज में। गुरु, पर जब हमें तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चला मेरे लिए, तो हम दोनों आज ही आने वाले थे तुमसे बात करने। प्लीज ट्रस्ट अस, हम तो दोस्त हैं ना, प्लीज। दोस्त हैं हम, एग्जैक्टली, हम दोस्त ही हैं। मैंने भी यही सोचा था ना, हम दोस्त हैं, राइट? तो फिर क्यों किया? और तुमने भी हीर, देखो हम दोनों समझ सकते हैं कि तुम्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा है। Yeah, very sorry. गुरु देखो, situations ऐसी हो गई थी, हम दोनों नहीं चाहते थे कि ये बात तुम्हारे सामने इस तरह आए, और ये so sorry. Even I'm really sorry. इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा दोस्त मिला है, इतनी अच्छी गैंग मिली, माफ कर देना यार।